guys, welcome to the channel. I hope you are fine. So in this video, I am going to talk about what are the tips you should remember before appearing for your board examination. As you all know, tomorrow is your English paper of class 10th CBSE. So for the academic year 2021 to 2022. So in this video, I'm going to talk about some of the tips which you should remember before writing your examination paper. So without wasting time, let's get started. Last day, tips to remember term 2. Okay, so let's move forward. So what are the things you should carry one day before your board examination? What are the things you should carry? So I have created a note here. So what are the things you should carry? First of all, you should have your admit card, which is given by your school. Okay. Without admit card, you should not know how to fill your details in the answer booklet. In the admit card, the center number, school code, all the information will be available in your admit card. So without admit card, you should not enter any of the things, any of the information in your answer booklet. And if you don't, if you missed out the admit card, then the school centers will not be allow you to give the board examination. Okay, so you should carry admit card. अगर आपने अभी तक revision कर लिया, जाइए और अपने bag में अभी से डाल लीजिए, ठीक है? 5 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा. First of all, you should keep your admit card. Okay, then your pencil box. You should have at least 2 to 3 pens. Okay, क्योंकि exam में आपको teachers allow नहीं करते कि आप दूसरे बच्चे से पेन या फिर पेंसिल ले सके. ओके, इसलिए अगर आपका पेन खत्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पेन यूज कर सके. इसलिए यू शुड हैव 2 to 3 पेन्स इन योर पेंसिल बॉक्स. ओके, यू शुड आल्सो हैव पेंसिल्स, स्केल्स एंड इरेजर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू मेक अंडरलाइन. ओके, ये आपका हेल्प करेगा अंडरलाइन करने के लिए. फोर्थ वन इज जेल पेन और बॉल पेन, विच इज बेस्ट फॉर योर पेपर. थिंक जेल पेन और एक पेन as compared to ball pen, gel pen or ink pen में यही दिक्कत है कि अगर आप उसको लिखने के बाद, एक तो उसका मोटा आपका वो होता है, उसका थिक बॉडी होता है, जिसके वजह से आपको दिक्कत होगा. आप अगर लेट हो रहा आपको पेपर ख़त्म करने में, तो उससे आप ऑन स्पीड आप नहीं लिख पाइएगा. और जेल पेन के एक और डीमेरिट क्या है, when you write all the answer, अगर आपका हाथ पड़ गया, when you just drag your hand into the written answer, then the ink will be, इंक क्या करेगा, फैल जाएगा. ओके, फैल जाएगा, जिससे आपका पेपर खराब हो सकता है. इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप बॉल पेन यूज करिए. आप 2 to 3 पेन बॉल पेन का भी आप ये करिए, ठीक है? अगर वो तो बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि वो जेल पेन से लिखना चाहते हैं बॉल पेन, पर जेल पेन का यही डिमेरिट है, बॉल पेन आपके लिए इजी बॉडी रहता है, लिखो फीको. जो आपका अग्नि का आता है उसको आप ले जा सकते हैं, उससे भी अच्छा राइटिंग होता है. उसको आप यूज करिएगा तो आपका ये स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा और उससे आपका सारा आंसर सुंदर से लिखेगा. आई होप इज इट क्लियर टू यू. सो दिस आर ऑल द थिंग्स विच यू शुड कैरी वन डे बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है. तो जाइए अभी अपने बैग में सारे ये डॉक्यूमेंट्स और पेंसिल बॉक्स अपने बैग में पहले से रख लीजिए, ताकि आपका सुबह रिविजन के टाइम यू शुड नॉट मिस ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग और एग्जाम पेपर. मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बताया है बिफोर आपके एग्जाम पेपर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में याद रखना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट, नीट एंड क्लीन पेपर. नीट एंड क्लीन पेपर होगा तो आपका एग्जामिनर आपको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिससे आपका आपको मार्क्स ज़्यादा आने का वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है? चांस ज़्यादा रहेगा. इसलिए आपको आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए. आप अच्छे से हर एक आंसर को आप अच्छे और इफेक्टिव वे में आप आंसर लिखेंगे. ओके, सेकंड वन इज आंसर शुड बी रिटेन पॉइंट्स. मैनी ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, वो क्या कर पैराग्राफ में लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि यार आप इतना बड़ा लिखा है, क्या बोलते हैं, उन्हों पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? पॉइंट्स में लिखा रहेगा तो एक सिस्टमैटिक मैनर में वो चेक करेंगे पॉइंट्स. मान लीजिए अब ये लाइन लिख लिए हैं, फिर पॉइंट,
फिर सेकंड पॉइंट लिखे ये लाइन, आपको पॉइंट्स मान से लिखना है ठीक है, कोशिश करना आपको पॉइंट्स में लिखना है, अगर 5 मार्क्स का है तो 10 लाइन्स आपको पॉइंट्स में लिखना है जिससे आपको नंबर मिल सकेगा ठीक है। कोशिश नहीं करें कि पैराग्राफ की तरह लिखने का कोशिश नहीं करें, यू शुड राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स ओके, जस्ट फोकस एंड राइट इन पॉइंट्स ओके। आफ्टर दैट मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद पेंसिल, आफ्टर आपका आंसर लिख लीजिएगा तो क्या करना है आपको एक पेंसिल लेना है। आप तो एक बड़ा आंसर लिखते हैं, आप एग्जामिनर को दिखाना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है मार्क कर देना पेंसिल से उसके लाइन में। आप पूरा लाइन ही मार्क नहीं करना है, कुछ कुछ जो आप जो कीवर्ड्स यूज करेगा उसको आप मार्क करना है जिससे एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस जाए उस आपके आंसर पे, आपका पॉइंट्स वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आंसर पे, जिससे वो पढ़ के आपको नंबर दे सके। आई होप इस इट क्लियर टू यू, यू शुड फोकस ओके व्हाइल राइटिंग योर एग्जामिनेशन पेपर। फोर्थ पॉइंट इज मेक अ लाइन आफ्टर सिंगल कंप्लीटेशन, मतलब जैसी आपका 1 नंबर हो या 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर, आपको क्या करना है जैसी आंसर आपका खत्म होता है आपको एक लाइन खींच देना है पेंसिल से स्केल से लेके ठीक है। आपका आंसर सेट ऐसा होगा, आपको क्या करना है यहाँ पे आंसर आप लिख लिया तो आपको एक लाइन खींच देना है ठीक है। पहले तो एक लाइन आपका पेपर पे यहाँ होना चाहिए, मान लीजिए कॉपी है तो आपके एक लाइन तो यहाँ होना चाहिए ठीक है, और एक लाइन तो यहाँ बना रहता है जिसमें आप नंबरिंग लिखते कौन सा आप आंसर लिखना चाह रहे हैं। सो व्हेनेवर यू कंप्लीट द वन सिंगल आंसर देन प्लीज मेक अ सेपरेट लाइन विद योर पेंसिल एंड स्केल, एक लाइन 1 मार्क्स से लिखिए एक लाइन बना दीजिए जिससे और कॉपी और नीट एंड क्लीन लगे और एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये फर्स्ट का आंसर है, ये 5th का आंसर है, ये 6th का आंसर है। आई होप इज इट क्लियर टू यू, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। 5th पॉइंट क्या है, ये तो सबसे मेन है, डोंट स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन आंसर एट द एंड ऑफ द पेज, मतलब अगर आप आंसर लिख रहे हैं मान लीजिए आपका पॉइंट्स आ गया ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लिख लिया आपका पेज भर गया, तो आपका थोड़ा सा नीचे 4 लाइंस आपका बचा हुआ कॉपी में ठीक है जो आपका आंसर शीट होगा, तो क्या करना है अब बहुत बच्चे क्या करते हैं वहां से दे स्टार्ट राइटिंग अ न्यू आंसर जिससे वो अच्छा नहीं होता ठीक है। आपको क्या करना है अगर आपका 3 to 4 लाइंस बचा है तो आपको उसको छोड़ देना है, PTO लिख देना है प्लीज टर्न ओवर, और नेक्स्ट पेज पे उसका आंसर लिखना है, डोंट राइट द आंसर इन द लास्ट पेज ओके, अ न्यू आंसर डोंट ट्राई टू राइट, बिकॉज अगर एग्जामिनर क्या करेगा आप एक बात सोचिए कि अगर आपको मैंने पेपर चेक करने के लिए दिया तो आप क्या बोलते हैं आधा पॉइंट्स आपने मान लीजिए लास्ट में आपका 3-4 लाइन बच गया तो आपने आंसर एक स्टार्ट किया, मैंने आंसर एक स्टार्ट किया तो आपको मैंने चेक करने के लिए दिया, मेरा आधा आंसर पीछे होगा तो उस बार में एग्जामिनर पीछे पलट पलट के देखेगा सो उसे इरिटेटिंग लगेगा जिससे आपका नंबर भी कट सकता है ठीक। आपको तो पता नहीं है कौन आपका पेपर चेक करेगा, सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, कोई भी आंसर नया हो 3 to 4 लाइन्स अगर मिस होगा तो ही आप अगले पेज पे जाएगा, अगर उतना में हो जाएगा आपका आंसर तो आप आंसर लिख दीजिएगा, अगर नया क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 1-2 लाइन यहाँ पे होगा बाकी अगले पेज में तो आप कोशिश करेगा कि अगला ही पेज में अपना नया आंसर स्टार्ट करें। आई होप इज इट क्लियर टू यू, तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए और ये भी आपका जितना भी ये सब सामान है अपने बैग में रख लीजिए और ये सब पॉइंट आपको याद रखना है बिफोर योर स्टार्टिंग योर पेपर ठीक है। पॉइंट्स में क्या एक प्रॉड करना है, नीट एंड क्लीन पेपर आपको होना चाहिए, आंसर शुड बी रिटेन इन द पॉइंट्स, मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद पेंसिल, पेंसिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दीजिएगा, मेक अ लाइन आफ्टर सिंगल कंप्लीटेशन ऑफ द आंसर, एक लाइन बना दीजिएगा जब भी आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है, और डोंट स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन आंसर एट द एंड ऑफ द पेज ओके। कोशिश करिएगा न्यू पेज से करें, ऐसा नहीं किया 5 लाइन छूटा बताओ नया पेज स्टार्ट करें, नहीं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, अगर 3 पेज का होगा तो ही आप ब्लैंक छोड़ के अगले पेज पे जाएगा। आई होप इज इट क्लियर टू यू, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि अब मैं जान रहा हूँ बहुत सारे 10th के बच्चे पहली बार बोर्ड देने जाएंगे, पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहना है, आपने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी रिटन योर इन योर आंसर शीट, आपको हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है ठीक है, और पॉइंट्स में अटेम्प्ट करिएगा तो और आपके लिए आपका पेपर और सुंदर लगेगा और नीट एंड क्लीन लगेगा जिससे आपको एग्जामिनर नंबर देंगे ही देंगे, और अपने सारे फॉर्मेट्स अपने राइटिंग सेक्शन के नोटिस राइटिंग फॉर्मल लेटर सारे फॉर्मेट आप पहले से देख लें ठीक है, और लिटरेचर सेक्शन को आपने रिविजन कर लिया होगा, सो प्रॉपर स्लीप आप सोए 8 आवर्स एग्जामिनेशन से पहले और अपना एग्जाम को जाके फोड़ के आए ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।